कलर्स टीवी एक पॉपुलर चैनल है और आज हम बात करने वाले हैं कलर्स टीवी के साथ अपकमिंग शोज़ की, तो जल्दी हमें कलर्स टीवी पर देखने को मिलने वाले हैं। अपकमिंग शोज़ की इस लिस्ट में नंबर वन पर जो शो हमें कलर्स टीवी पर देखने को मिलने वाला है उसका नाम है कवच का सीज़न 3। जी हाँ दोस्तों, कवच भी लौट रहा है अपने तीसरे सीज़न के साथ। शो के पिछले दो सीजन्स को ऑडियंस ने खूब प्यार दिया, इसके कारण अब कलर्स टीवी लेकर आ रहा है क्वीन एकता कपूर के साथ कवच का तीसरा सीज़न, जो जल्द ही हमें हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर कलर्स टीवी पर देखने को मिलने वाला है। अपकमिंग शोज़ की इस लिस्ट पर नंबर टू पर जो शो ऑन एयर किया जाने वाला है उसका नाम है मधुबाला सीज़न 2। जी हाँ दोस्तों, मेकर्स ने ये बात कंफर्म कर ली है कि जल्द ही वो मधुबाला का सीज़न 2 लेकर आएंगे और उसमें एक बार फिर से हमें दृष्टि धामी और विवेन डी सिन्हा की जोड़ी देखने को मिलने वाली है और कहा जा रहा है कि मेकर्स ने शो की शूटिंग भी स्टार्ट कर ली। अपकमिंग शोज किस लिस्ट में नंबर 3 पर जो शो ऑन एयर किया जाने वाला है कलर्स टीवी पर उसका नाम है नागिन का 6वां सीज़न। जी हाँ दोस्तों, नागिन की शुरुआती 3 सीज़न तो ऑडियंस के बीच काफ़ी पसंद किए जाते थे, मगर नागिन का 4वां और 5वां सीज़न ऑडियंस के बीच कुछ ज़्यादा TRP नहीं लेकर आ पाया, इसके कारण मेकर्स नागिन 6 को लाने में कुछ देरी कर रही हैं। मगर कहा जा रहा है कि न्यू ईयर के दौरान ही हमें कलर्स टीवी पर ऑन एयर किया देखने को मिल सकता है। अपकमिंग शोज़ की इस लिस्ट में नंबर 4 पे जो शो ऑन एयर किया जाने वाला है उसका नाम है कसम तेरे प्यार की सीज़न 2। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि टेलीविज़न क्वीन एकता कपूर ने सब कुछ फाइनलाइज भी कर लिया है कलर्स टीवी पर एक बार फिर से कसम तेरे प्यार की को लाने के लिए, और एक बार फिर से टेलीविज़न क्वीन एकता कपूर कर रही हैं ऑडिशन ताकि कसम की न्यू कास्ट हमें शो में देखने को मिले। अपकमिंग शोज़ की इस लिस्ट में नंबर 5 पे जो शो हमें कलर्स टीवी पर देखने को मिलने वाला है वो अभी अंडर प्रोडक्शन है और अभी इस शो की रिलीजमेंट नहीं की गई। जैसे ही इस शो के रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है हम सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे। अपकमिंग शोज़ की इस लिस्ट में नंबर 6 पे जो शो हमें कलर्स टीवी पर देखने को मिलने वाला है उसका नाम है शक्ति अस्तित्व के एहसास की सीज़न 2। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि सितंबर में शक्ति अस्तित्व के एहसास की को ऑफ एयर कर दिया जाएगा क्योंकि शो की TRP काफ़ी लो आ रही है, मगर वहीं दूसरी तरफ मेकर्स ने यह बात कंफर्म कर ली है कि वो जल्द ही कलर्स टीवी पर एक बार फिर से शक्ति अस्तित्व के एहसास की का नया सीज़न लेकर आएंगे, यानी कि सीज़न 2 लेकर आएंगे, क्योंकि ऑडियंस को फिर भी ये शो बहुत पसंद है। अपकमिंग शोज़ की लिस्ट में नंबर 7 पे जो शो हमें हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर कलर्स टीवी पर देखने को मिलने वाला है उसका नाम है बिग बॉस 15। तो फिलहाल अभी OTT पर चल रहा है, मगर कहा जा रहा है कि जल्द ही सितंबर में ये शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की को रिप्लेस कर शक्ति अस्तित्व के एहसास की के टाइम स्लॉट पर आकर हमें एक बार फिर से कलर्स टीवी पर देखने को मिलने वाला है। तो ये थे टेलीविज़न के 7 अपकमिंग शोज़ जो जल्दी हमें कलर्स टीवी पर देखने को मिलने वाले हैं। आप किस शो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल SA Serial Talk को सब्सक्राइब करना